नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अनूप सक्सेना। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आज हम दलबदल रहे नेताओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में आया राम गया राम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रमुख दलों की नजरें दूसरे दलों के जनाधार वाले नेताओं पर है। आए दिन ऐसे नेता कहीं साइकिल पर सवार हो रहे हैं तो कहीं कमल के फूल पर अपनी आस्था जता रहे हैं। इस मामले में सभी दल एक दूसरे को मौकापरस्त बताने में से भी नहीं चूक रहे हैं, जबकि नेताओं के दल में शामिल होने की वजह बताई जा रही है कि उनकी आस्था उनके दल के साथ है। इस दल में रहकर वे उत्तर प्रदेश के विकास की गति को तेज बढ़ाएंगे। एन चुनाव से पहले आस्था बदलना समझ से परे है। सवाल उठता है कि जब चुनाव सामने होते हैं तभी दल बदल की गति तेज क्यों होती है? इनमें से कई ऐसे नेता हैं जिनकी आस्था बदलने से घर वापसी भी हुई है। क्या ऐसे लोग जो कुर्सी की खातिर अपनों से नाता तोड़ सकते हैं, क्या वे प्रदेश का भला कर सकेंगे? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ चार विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर सर स्टूडियो से मौजूद हैं, दीप कुमार जैन साहब हैं। सर आपका स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मानस द्विवेदी जी हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। मानस जी आपका स्वागत है। शहजाद अब्बास साहब समाजवादी पार्टी से हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। शहनवाज साहब आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी उत्तर प्रदेश अनूप पांडे जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अनूप पांडे जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं सर आपके पास जाऊंगा। सर जिस तरह से चुनाव से पहले इस तरह के नेताओं के दल बदल हो रहा है, जिस तरह नेता अपनी आस्था बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं, इसको आप कितना जायज मानते हैं? सर ऐसा है, जनता बहुत समझदार हो गई है जी, और जनता की जागरूकता जी इन नेताओं को शायद ये समझना चाहिए जी कि आज इसकी आप अच्छाई बता रहे हो, कल आप उसी की दूसरे दल में शामिल हो जाएंगे तो उसी की आप बुराई बताएंगे जी, तो आपका भी भविष्य उज्जवल नहीं होगा। और पार्टियों को भी ये समझना चाहिए कि इन चुनाव के वक्त में जी इस तरह का दल बदल उनको कितना फायदेमंद होगा। जी जी, निश्चित तौर पर। मानव द्विवेदी साहब, चुनाव से पहले इस तरह का नेताओं का दल बदलना आप कितना उचित मानते हैं? सर आप तो सरकार चला रहे हैं, फिर आपको ज्यादा दूसरे दलों से नेताओं को लाने की आवश्यकता क्या है? सर अनूप जी, दीप कुमार जी ने कहा, डायरेक्टर जी ने जी कि तारीफ करते हैं बुराई बताते हैं पहले जी, तो सबसे बड़ा विषय है ये तो जब किसी व्यक्ति का विचार जी और उसके विचार के अनुसार जिस राजनीतिक दल में वह व्यक्ति है जी वह राजनीतिक दल उस विचार के अनुसार जब काम नहीं करता है जी तो उसके सामने मजबूरी खड़ी होती है जी, या तो वो समझौता करे जी अन्यथा वह दूसरे दल में जाके जी अपनी बात को रख सके जी। जी माना जी, बात ये नहीं बदलना आस्था, मतलब आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं भी आपसे इस बात को वास्ता रखता हूं, लेकिन सर सवाल ये है कि समय की बात है ना सर, अब चुनाव कुछ महीने बाद होना है, तो ऐसे में अब उनकी जो बात आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं, क्या वो उचित है क्या, या उनका इशारा अपनी कुर्सी की तरफ है? सर नहीं अनूप जी, शायद हो सकता है चुनाव के समय वह जो नीतियां रखना चाहते हैं जी वह उस दल में नहीं रख पा रहे हो जी, जनता की सेवा करना चाह रहे हो चलिए उस दल में कोई मजबूरियां हो चलिए ऐसा भी हो सकता है। शहनवाज साहब आडंबर रखने की वाली बात नहीं है जी 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 माने जी जी जी, इसमें कोई आडंबर रखने वाली बात नहीं है अनूप जी जी। चलिए शहजाद साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके दल ने भी कई नेताओं को शामिल कराया है, आप में भी आप में के यहाँ भी इस तरह से कई लोग गए हैं आपके यहाँ से और आप में आपके यहाँ भी कई लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शहजाद अब्बास साहब, शहजाद साहब चलिए अनूप पांडे साहब मैं आपके पास जाना चाहता हूं। सर आपके दल में तो कई ऐसे नेता हैं, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, मतलब आपने दिल्ली से जाकर आप उत्तर प्रदेश में आप आए हैं और पहला शायद आप चुनाव लड़ रहे हैं,
तो निश्चित तौर पर आपके दल में ऐसे कई नेता होंगे, ऐसे कई कार्यकर्ता होंगे जो दूसरे दलों में लंबा उनका अनुभव रहा और लंबा अरसे से वो वहां पे वो काम करते रहे हैं। तो सर ऐसे में आपके दल की जो आइडियोलॉजी है उसको ये जो नेता आपके दल में आए हैं ऐसे कैसे उसको स्वीकार करेंगे, उस उन्हें कैसे आप उसमें डालेंगे सर? देखिए हमारे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जब पार्टी बनाई थी तो हजारों उन कार्यकर्ताओं को जो विभिन्न दलों में जिनका शोषण हो रहा है आह्वान किया था कि आइए हम आप मिलकर के एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करें। आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, इस देश में दो धारा है, एक धारा वर्ग संघर्ष करा करके आपस में रक्तपात कराना चाहती है, उसका ये कहना है कि जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा, जब तक लोग मरेंगे नहीं आपस में लड़के कटके, तब तक इस देश की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। और एक विचारधारा ये है इस देश के अंदर, जिस विचारधारा के तहत अभी आप चर्चा कर रहे हैं, जातीय झुंड बना करके और जातीय भेद पैदा करके और सत्ता में कब्जा करना, लेकिन यहीं पे अरविंद केजरीवाल जी दोनों नहीं चाहते जी। नहीं चाहते कि आपस में भेद पैदा हो, जाति में द्वेष पैदा हो, और नहीं चाहते कि लोग आपस में लड़के कट के मरे, बल्कि एक रास्ता ऐसा बनाया जाए कि सबको सुविधाएं मिले, बिजली सबको मिल जाए, पानी सबको मिल जाए, शिक्षा सबको मिल जाए, चिकित्सा सबको मिल जाए, तो एक उस तरह की विचारधारा भी देश में काम कर रही है जो तेजी से फैले। कोई व्यक्ति किसी दल में आता है जाता है आना जाना के है। की आवाज कट रही है। आम आदमी पार्टी में का मानना है जी कि इस देश के अंदर जो हजारों कार्यकर्ता है, हजारों नेता है जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जाएंगे तो सच्चे हो जाएंगे, सपा में आएंगे तो खराब हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी में आएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसे इक्का दुक्का हो सकते हैं, विचारधारा साथ हो सकते हैं, लेकिन लोगों का आने जाने का ताता उनका ज्यादा लगता है चुनाव के दरमियान, जब चुनाव आता है ये सत्ता लुलुपता के चक्कर में अगर कोई जा रहा है आ रहा है तो ये सामान्य बात है, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं भारत के लोकतांत्रिक, लेकिन सर वक्त की बात है ना, अब चुनाव के एंड पहले हो रहा है ना सर, वो सवाल वो है सर, आना जाने कोई नहीं रोक रहा है सर। देखिए चुनाव वही तो मैं बोला सत्ता था, जैसे आप क्या माधवराज सिंधिया के जो बेटे हैं लालच में चले गए, राज्यसभा में चले गए जी, तो कहने का मतलब ये है कि देश का जो जड़ है राजनीति जी, और इस जड़ को जब तक सही नहीं किया जाएगा तब तक ये परंपरा आने जाने की बनी रहेगी और लोकतंत्र पर काले बादल छाए रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी यह चाहती है कि एक ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसी राजनीति बदलाव हो कि जिसमें चुनाव के समय में लोग बदलाव करने में डरें, बदलाव करने में सोचें कि हम बदलाव करेंगे तो पब्लिक हमारे सामने पूछेगी। चलिए केंद्र सर, केंद्र में भी भाजपा है और माना जी सूबे में भी आपकी सरकार है, अनूप पांडे जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं क्या वो आप उससे वास्ता रखते हैं सर, क्या सहमत है सर? अनूप पांडे जी क्या बात को जरा रिपीट कर दीजिए सर। जी जी, उनका ये कहना है दो विचारधाराएं हैं, एक वो विचारधारा है जो आपस में लड़ा के सत्ता पाना चाहती है और एक समाज को सुधारने की बात करने वाले दल हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी सबको विकास की बात कर रहे हैं, सबकी सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं दिलाने की बात कर रहे हैं, ये कहा अनूप पांडे जी ने। तो मैं इसी बात को जोर दे रहा हूँ जी, एक काकस वो है जी जो चोर चोर मौसेरे भाई को चरितार्थ कर रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो जी, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं जी, और ये जो रंगा बिल्ला का नाच करते हैं ना, उत्तर प्रदेश की जनता इनको 2017 में ठुकराया था और पुनः 2022 में ठुकरा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदमी योगी आदित्यनाथ जी को एक बार फिर से सत्ता में बैठाने का काम करेगी और जनता की सेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर करता जा रहा है। महाराज जी जो वो बात कह रहे थे आपने उसके जवाब नहीं दिया, आपने वो पुरानी बात दोहरा दी है। शहजाद साहब आपके पास जाऊंगा आपसे संबंध में जवाब दिया ना। जी जी मैं आता हूँ महाराज जी, आता हूँ। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का जी 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 जो समाज को बांटने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य क्षत्रिय करती है जी, भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मॉडल की आधारित पार्टी है ना, विकास मॉडल को आगे जनता तक। सर विपक्ष कह रहा है आप जो बात कर रहे हैं सर, अनुप जी पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति जो हो जी, उस तक सरकार की मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, यह परम पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की
योजना है। चलिए शहजाद साहब को जो लेते हैं सर, शहजाद साहब आपने माना जी की बात सुनी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात सुनी होगी आपने। एक सवाल मेरा है कि आपके दल ने भी कई नेताओं को जोड़ा है साथ में, आपके दल से भी कई नेता गए, नेता दूसरे दलों में गए, तो सवाल मेरा यह कि चुनाव एंड चुनाव के पहले ये जो हृदय परिवर्तन हो रहा है नेताओं का, उनका कहीं कुर्सी प्रेम तो नहीं है सर, इसलिए वो तो ये चेंज कर रहे हैं सर? देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो एक बड़ा परिवार है जी, और बहुत से लोग उसमें आना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और परिवार को बड़ा करना चाहेंगे। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से किरकिरी हर तरफ हो रही है, आप देखिए कि अभी ये जो आरोप लगाते हैं कि दल बदल और वो है, तो जो आरोप लगाना चाहें, लेकिन अभी आप देखिएगा कि जितेंद्र सिंह बबलू को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया था जो कई आरोपों में है, और अभी आप देखिए कि शराब के एक बड़े व्यापारी हैंगे संत कबीर नगर के वैभव चतुर्वेदी, उनको पार्टी में ज्वाइन किया हैगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के कई कामों की वजह से जनता उनसे काफी नाराज है जी। तो अब इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना सही रूप नहीं रख पाती है। आप स्वास्थ्य विभाग में देखिए कि हर तरफ स्वास्थ्य के मामलों में, चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो, कहीं पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। अब आप आते हैं कि सड़कों के मामले में, सड़कों के ऊपर भी ये हालांकि गड्ढा मुक्त करने वाले थे लेकिन दरिया मुक्त हो गई हैं सड़कें, तो इन हालातों में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल कीजिए, आपके कोई आ रहा है कोई जा रहा है इससे परेशानी नहीं है। आपने 4.5 साल की सरकार में क्या किया जनता के लिए, आपने क्या किया? जो अभी ये कह रहे थे कि इन सब जो छलावा कर रहे हैं ये लोग, नफरत फैला रहे हैं, समाजवादी पार्टी का भी अभी नाम ले रहे थे, तो बता दें कि 4.5 साल में इन्हीं ने कौन से काम किए और इन्हीं ने समाज के लिए क्या काम किए और समाज के लिए इन्हीं ने जोड़ने के कौन से काम किए वो बता दें। मॉब लिंचिंग इनके टाइम में समय में हुई है और अन्य जो धर्म के लोग हैं जो उनको किस तरीके से मारा गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल कीजिए, इनसे पूछिए कि आपने 4.5 साल में कौन से ऐसे काम किए जिससे हम इसको समझे। चलिए जो है वो समाज, माना जी आप जवाब देंगे, माना जी जी, भारतीय जनता पार्टी के 4.5 वर्ष जो सत्ता में रह के हम लोगों ने जनता की सेवा की है, ये 14 वर्ष जो बीते हुए 14 वर्षों में, जब मुलायम जी मुख्यमंत्री थे, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन 14-15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के 4.5 वर्ष भारी है। बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 4.5 वर्षों में कोई घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 4.5 वर्षों की सरकार में अपराधी या तो उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर है या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4.5 वर्षों की गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 4.5 वर्षों की सरकार में युवाओं को रोजगार मिला, ODOP के माध्यम से रोजगार मिला, विधवा पेंशन बांटी गई, कितनी योजनाएं हैं कि ना दे। आपके यहाँ तो पैसों का जो बंटर भाग होता था, आपके यहाँ जो विवाद होता था नोएडा से लेके वो विवाद होता था, रामवृक्ष यादव से लेके विवाद होता था, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में आखिरी वो विवाद फट गया, जो बैलून हवा का आपने फोड़ा भरा था वो आसमान में ही जाके फट गया। चलिए अनुप पांडे साहब माना जी को सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 14-15 साल में जो काम नहीं किया 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। माना जी, जवाब सुन लीजिए, माना जी जवाब सुन लीजिए, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में जितना विज्ञापन सरकार कराई है, अहमदाबाद तक इनका विज्ञापन चल रहा है जी, इनका विज्ञापन बम्बई के सड़कों में चल रहा है, इनके काम का जी 4.5 साल का। और ये घोटाला की बात करते हैं, 3,500 करोड़ का इनका जल घोटाला हुआ है जो पानी वाला है। अरे सुन लीजिए माना जी आप अपनी बात बोलिए, जवाब दे रहा है। अरे माना जी सुन लीजिए पूरी बात, होने कोरोना किट में घोटाला हुआ है, ये गांव स्तर तक ये घोटाला कर रहा है। घोटाले की बात करते हैं, आए थे कि देश जितने नहीं दूंगा, तेल गेल रेलवे प्लेटफार्म एयरपोर्ट बंदरगाह सड़कें बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। मैं तो अनूप सक्सेना की एक ही बात कहूंगा, यह सरकार का जो आर्थिक नीतियां है ये ब्रिटिशर से मिल रहा है, स्थानीय हुकूमत से जी, और इस सरकार का जो शासन और प्रशासन है जी, वो हिटलर से मिल रहा है जी। ये डराते हैं CBI लगा के, ED लगा के। 29 तारीख को अभी विगत दिनों आगरा में तिरंगा यात्रा होती है,
पे फरियाद दर्ज करते हैं, ये डरे हुए लोग हैं, इनके मन में चोर है, ये चंदा चोर है, ये देश को माने जी अपनी बारी में आने दीजिए उद्योगपति इनके चहेते बैंकों से जनता के पैसा लेके गोल हो गए, दूसरी कंपनी बना के बाबा रामदेव करोड़ों का लोन ले रहे हैं। तो भैया ये तो साढ़े चार सात सात साल में तो जो काम कर दिए, जो काम देश के पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, ये सब पार कर गए। चलिए और क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहा है। चलिए माना जी, माना जी बात कर रहा है, आपसे जवाब बात कर लूं। सुनिए जी, जी जी, इनके राज्य में जेल में हत्या होता है जी, इनके राज्य में पुलिस कप्तान फरार घोषित होता है जी, दुनिया में सुने होंगे जी कि चोर डाकू फरार होता है जी, लेकिन इसका इनका पुलिस जो कप्तान है बाजार का वो फरार है जी, एक अपराधी एक व्यापारी को के हत्या के आरोप में जी, बात करते हैं जांच के नाम पे ले जाइए लोगों की हत्या करते हैं जी, ये जातिवादी सरकार है, इनसे बड़ा जातिवादी कौन है। चलिए चलिए माना जी ठीक है सर, सर शहजाद साहब आप भी आपकी भी सरकार पे आपकी दो बार कार्यकाल आपकी सरकार रही, एक बार मुलायम सिंह जी अखिलेश यादव, माना जी का ये कहना कि आपने कुछ काम नहीं किया, साढ़े चार साल में ने जो काम किया वो 14 साल पर भारी है, क्या करेंगे जल्दी बताइए फिर मैं जवाब इकट्ठा करूं। बिल्कुल इन्होंने जो काम साढ़े चार साल में किए हैं जी वो काम जो है हम लोग ने किए नहीं, मैंने पहले भी यही बात कही थी और दोबारा दोहराना पड़ रहा है इनके लिए कि साढ़े चार साल के अंदर इन्हीं ने मरते हुए लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं दिया है। और दूसरी चीज ये है कि इन्हीं ने साढ़े चार साल में जो वादे किए थे लैपटॉप देने के, लोगों को लैपटॉप देने के लिए, फ्री वाईफाई देने के लिए, गड्ढा मुक्त सड़कें देने के लिए, वो सब वादे इन्हीं ने पूरे किए, इनसे पूछिए, वो कोई वादा इन्हीं ने पूरा नहीं किया। इनका जो संकल्प पत्र था उसका कागज जो भरना चाहिए था, इनको आंसर शीट भरना चाहिए थी, वो पूरे तरीके से खाली है। आज आप देखिए कि लखनऊ के अंदर की अगर हम बात करें तो लखनऊ के अंदर दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, अभी आईटी चौराहे के ऊपर आज भी मोबाइल छीना गया, छोटी छोटी घटनाएं शीशा तोड़ के, उसके बाद फिर आप आ जाते हैं स्मार्ट सिटी का पलीता लग रहा है, सरकारी जो नगर निगम है उसके अंदर से डीजल पेट्रोल चोरी किया जा रहा है, कानपुर के अंदर यही हुआ है, किशोरी के साथ जो है वो जहर कुरानी हुई है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जितने इतिहास बन गया है कि जितनी भी हत्याएं बलात्कार डकैती हो रहा है, उद्योगपति हो चाहे वो छोटे व्यापारी हो, सबके साथ जो है डकैती हो रही है, निकलना दूभर है लोगों का जनता को उत्तर प्रदेश के अंदर। माना जी इन सबके ऊपर माना जी जवाब दीजिए दोनों को, माना जी शायद भूल गए हैं जब इनकी सरकार, शहजाद भाई आप भूल गए हैं जब आपकी सरकार होती थी तो थाने गुंडे चलाते थे, आप भूल गए हैं वो समय जब आपकी सरकार होती थी तो उत्तर प्रदेश के हजरतगंज के मेन चौराहे पे कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे दिया जाता था, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती थी जी जी जी। मानस भाई अनूप जी शहजाद जी को याद दिलाइए जी, और अनूप पांडे जी ने जो बात कही हाँ ये शायद भूल गए हैं, इन्हीं के पार्टी के पूर्व नेता जी जिनकी बेइज्जती इन्होंने की है, मैं उनकी लाइन दोहरा दूं हाँ। कि गूंगे सिखा रहे हैं वो हाँ। कितना खोला जाए हाँ। ये इनके यहाँ जो मोहल्ले क्लिनिक में भ्रष्टाचार हुआ उसका जवाब कौन देगा जी, मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार का जवाब कौन देगा जी जी। और जिस घोटाले की ये बात कर रहे हैं उसमें इनके नेता को लीगल नोटिस भेज दी गई है, ये बात भूल जाएं जी जी। चलिए अनूप पांडे साहब, अनूप पांडे साहब आपसे जवाब लूंगा, एक सवाल भी मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं सर कि आपके दल का जो उदय हुआ था वो एक अलग, हेलो अनूप पांडे साहब सुन रहा, मेरा सवाल यह है कि आपके दल का जब उदय हुआ था तो एक आंदोलन के रूप में हुआ था, स्वच्छ छवि कार्यकर्ता और नेता आपकी प्राथमिकता थी, लेकिन कालांतर में ऐसे ही बोलने वाले कई नेता पर्दे से हाशिए से बाहर हो गए सर, ये गलत समस्या है, ये पार्टी का ये कोई समस्या नहीं है कि हम आंदोलन से निकले हुए हैं और कोई बाहर चला गया। अरे आंदोलन में जहाँ तक जो चलना चाहता है चलता है हाँ।
आंदोलन चलता रहता है। महात्मा गांधी जब आंदोलन किए थे देश को आजाद कराने के लिए, तमाम लोग आए, तमाम गए, तमाम छोड़ के चले गए, तमाम शहीद हो गए और बढ़ते गए और आजादी पाए। लेकिन सर, लेकिन सर, आप जिनसे आप जो आप जिनके साथ समझौता करने वाले या जो आपके साथ जुड़े हैं, किसी से हम लोग नहीं कर रहे, चले जो आपसे जुड़े जी जी, इसके अलावा राजनीति इनसे कही है माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से जी जी जी, उत्तर प्रदेश में अब जनता उठ चुकी है, वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है, लोगों को फर्जी विज्ञापन में नहीं चाहिए कि विज्ञापन में छाप दिया कि रोटी मिल रही है और करोड़ों रोजगार मिल गया, रियल में चाहिए। उसके लिए आम आदमी पार्टी मुस्तैदी से उत्तर प्रदेश में चुनाव। चलिए माना जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर साहब के पास जाऊंगा। अनूप सक्सेना जी, अनूप पांडे जी से पूछ लीजिए, अनूप पांडे जी इनसे, अपने नेता से पूछे, संजय सिंह से पूछे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से पूछे, उत्तर प्रदेश से इनका क्या सरोकार है। इनके नेता जब मुझे ये व्यक्तिगत टिप्पणी करनी अच्छी तो नहीं, पर आज मजबूरी में मैं ये बोल रहा हूँ जी, टिकट ब्लैकी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है जी। भूल गए क्या पांडे जी, जवाब दीजिए सर। मोहल्ला क्लिनिक घोटाला भूल गए क्या जी, चंदा घोटाला आप अपने आप भूल गए क्या जी। अनूप पांडे जी जवाब दीजिए। मैं इनकी बात सब सुन रहा हूँ जी, और इनके विषय में तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं, इनका शुरू से ही अलग नस्ल है और ये किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने में माहिर है, और जो देश की जिस धारा में लेके जा रहे हैं, जहाँ देश कंगला हो गया है, दो दो बार इन्होंने लोन लिया आरबीआई से मना करने के बावजूद, और आज देश को बेच रहे हैं, इनको इन लोगों को आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाले लोग माफ नहीं करेंगे। चलिए सैजान साहब, सैजान साहब, रेलवे का टिकट 3 गुना बढ़ गया है और कितनी महंगाई छा गई है, और ये बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि क्या लगा। माना जी, माना 2 मिनट के, 1 मिनट के, मैं सैजान साहब के पास हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सरकार सिर्फ आपका है, 2017 के पहले लेके घूम रहे थे विपक्ष में। चलिए सैजान साहब, सैजान साहब, आपके पास जो क्या जो जनाधार वाले नेता उनका टोटा हो गया है सर, क्या आप भी बहुत पुरानी पार्टी हो, विशेषकर उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय रही समाजवादी पार्टी, तो आपके पास अब वो नेता नहीं रहे जो आपको सत्ता दिला सके, जिससे आप जिसकी वजह से आपको दूसरे दल से नेताओं को लाना पड़ रहा है सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास बहुत ही वरिष्ठ नेता और मौजूद है जिन्होंने पिछली भी सरकार हमारी बनाई। भारतीय जनता पार्टी जो है झूठे प्रचार करने में, ये समाजवादी पार्टी के जो जनता के अंदर विश्वास पैदा हो रहा है उससे थोड़ी सा बौखलाती है। इनके इतने बड़े बड़े नेता थे, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हार गए, यहाँ पे डोर टू डोर इनके बड़े बड़े नेता और मंत्री और वरिष्ठ नेता जो है वहाँ पे मौजूद थे, डोर टू डोर कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, उसके बाद भी जनता ने इन पे भरोसा नहीं किया। यही हाल इनका दिल्ली में हुआ था, माननीय गृहमंत्री जी डोर टू डोर जा रहे थे और लोगों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन पैसे के अंदर विश्वास पैदा नहीं कर सके। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में लगी है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सैजान साहब, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मैं डायरेक्टर साहब के पास जाऊंगा। सर ये लोगों की चुनाव, एक मिनट आ रहा हूँ सर। डायरेक्टर सर आपसे मैं जानना चाहूंगा सर कि चुनाव के ठीक पहले लोगों की जो आस्था बदल जाती है, वो क्या दल के लिए है और सूबे के लिए जो अच्छी बात है क्या? ऐसा है अनूप जी कि सारे दल एक ही विचारधारा पे शायद चल रहे हैं जी, कि वो ये सोचना है उनका कि शायद ये नेता हम इसको ले लेंगे अपनी पार्टी में तो पार्टी का भला हो जाएगा, और नेता भी सोच रहा है कि शायद इस पार्टी से मैं चुनाव जीत जाऊंगा, और इसमें पूरा नुकसान शायद जनता का ही होने वाला है, क्योंकि जनता को इस तरीके से अच्छे नेताओं नहीं मिलेंगे और अच्छे नेताओं की धीरे धीरे कमी होती चली जा रही है। निश्चित तौर पर माना जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए, बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा माना जी। अनूप जी जी, सहजाद भाई और अनूप जी जी, इन दोनों को ठंडा पानी पी लेना चाहिए और चैन की नींद सो जानी चाहिए, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश में 2022 में उत्तर प्रदेश की कोटी कोटी जनता, चलिए समय इतनी ही इजाजत देता है माना जी, सैजान साहब समय इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरह
नेता दल बदल रहे हैं वो निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर दल बदलने वाले नेताओं का अभाव, पार्टी की सेवा करना या समाज की सेवा करना है तो ठीक है, लेकिन अगर उनका उद्देश्य केवल कुर्सी पाना है तो ये तो ना लोकतंत्र के लिए सही है और ना उस सूबे के लिए सही है। इस आज की चर्चा में इतना ही। डायरेक्टर साहब आपका, मानस जी आपका, अनूप पांडे साहब आपका और शहजाद साहब आप तीनों चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में कल हम एक फिर से नए पैनल के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।